वेलकम टू इनसाइट स्टडी फोरम। इनसाइट स्टडी फोरम परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे केमिस्ट्री से, और ये 10 क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक से होंगे। आगे फिर हम चैप्टर्स के कुछ एमसीक्यू बनाएंगे और उनको स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शंस, एंटोनी लेवासियो, आचार्य प्रफुल्लचंद्र, जैकब बर्जीलियस, जोसेफ प्रिस्टले। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है एंटोनी लेवासियो। इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। आचार्य प्रफुल्लचंद्र को फादर ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया कहा जाता है। जैकब बर्जीलियस काफी ग्रेट साइंटिस्ट थे, जिन्होंने काफी ज्यादा डिस्कवरीज करी हैं, जैसे कैटलिस्ट की खोज करी। जोसेफ प्रिस्टले की बात करें, इन्होंने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया। क्वेश्चन नंबर 3, हु रिप्रेजेंटेड एलिमेंट्स विद सिंबल्स, यानी तत्वों को हमारी आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, और उन 118 एलिमेंट्स के सिंबल्स हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, इनके सिंबल्स हैं, क्योंकि इनको फुल फॉर्म में लिखना उतना उचित नहीं है, इसीलिए हम इनको सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए। जैसे फॉर ऑक्सीजन हम ओ यूज करते हैं, फॉर कार्बन हम सी यूज करते हैं, इस तरीके से। तो किसने सिंबल्स में एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया? इसका करेक्ट आंसर है बर्जीलियस। बर्जीलियस ने एलिमेंट्स को सिंबल्स के साथ में रिप्रेजेंट करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सिस्टम रिप्रेजेंट किया, और उस सिस्टम में उन्होंने 3 तरीके से एलिमेंट्स को सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की बात करी। जैसे नंबर 1, जैसे मोस्ट केसेस में अगर कोई एलिमेंट है, जैसे ऑक्सीजन या फिर उसके अलावा कार्बन, सल्फर, ये एलिमेंट्स हैं, तो मोस्ट केसेस में उन्होंने बताया कि एलिमेंट्स का जो फर्स्ट लेटर है उससे ही हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सल्फर को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सिंबल्स जो होंगे फर्स्ट लेटर के, ये लिखे जाएंगे कैपिटल में। सेकंड, अगर मान लीजिए फर्स्ट लेटर ऑलरेडी एडॉप्टेड है कहीं और, इस केस में क्या होगा, इनिशियल लेटर को तथा उसके साथ में विद इट्स स्मॉल लेटर हम लेंगे। यह उस केस में होगा जब फर्स्ट लेटर को पहले से ही एडॉप्टेड किया जा चुका है। ओके, जैसे एग्जांपल देखते हैं हम। मान लीजिए सिलिकॉन, अगर हम सिलिकॉन में एस ले लिया तो हम पहले से सल्फर ले चुके हैं, सल्फर का सिंबल एस होता है, तो हम दोबारा से सिलिकॉन का सिंबल अगर यस लेंगे
तो फिर ये काफी बड़ी समस्या हो जाएगी आवर्त सारणी में। इसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिलिकॉन को एस लेंगे प्लस हम आई स्मॉल लेंगे, तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं कैल्शियम। कैल्शियम में अगर हम सी ले लेंगे, हमने देखा था कि कार्बन में हम सी लेते हैं सिंबल के रूप में, अगर हम कैल्शियम में भी सी लेंगे सिंबल के रूप में तो फिर ये काफी बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए क्या करेंगे, हम सी लेंगे कैपिटल और ए लेंगे स्मॉल, दैट इज कैल्शियम। तो ये था सेकेंड। अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड केस में क्या होता है, द सिंबल फॉर सम मेटल्स वर डिराइव्ड फ्रॉम देयर लैटिन नेम, यानी कुछ धातुओं के जो सिंबॉलिक नेम है उनको हम डेराइव करते हैं उनके लैटिन नेम से। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, सिल्वर एक धातु है, मेटल है। सिल्वर का लैटिन नेम क्या होता है, अर्जेंटम। और इसको हम क्या करते हैं, अर्जेंटम है तो हम इसको लैटिन नेम यानी ए जी से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर टू, जैसे मरकरी। मरकरी का लैटिन नेम क्या होता है, हाइड्रोजियम। मरकरी को हम हाइड्रोजियम कहते हैं और इसको सिंबल हमने क्या लिया, एच जी। थर्ड एग्जाम्पल, जैसे सोडियम। सोडियम को हम नेट्रियम कहते हैं, इसीलिए हम इसको एन ए से डिनोट करते हैं। जैसे गोल्ड, तो गोल्ड का लैटिन नेम क्या होता है, औरम, इसीलिए इसको हम एयू से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फाइव, जैसे आयरन, इसका लैटिन नेम क्या होता है, फेरम, तो इसको हम डिनोट करते हैं एफ ई से। जैसे कॉपर, कॉपर को हम क्यूप्रम, इसको हम सी यू से डिनोट करते हैं। जैसे लेड, इसका लैटिन नेम होता है प्लम्बम, क्या होता है, प्लम्बम, इसीलिए इसको हम पी बी से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से हम मेटल्स को सिंबलाइज करते हैं और ये बर्जीलियस द्वारा बताया गया था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा कि आप लोगों ने समझा जाना किस तरीके से बर्जीलियस ने पीरियोडिक टेबल में सिंबलाइज किया। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि हु रिप्रेजेंटेड एलिमेंट्स विथ सिंबल, तो इसका आंसर होगा बर्जीलियस। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एनटीपीसी में। एनटीपीसी में अगर आप क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तो ये पूछा गया है बर्जीलियस के बारे में। क्वेश्चन नंबर फोर, अ कंपाउंड इज, कंपाउंड मीन्स क्या होता है, यौगिक। कंपाउंड मीन्स यौगिक होता है। कंपाउंड क्या है, केमिकली कंबाइंड इन ए फिक्स्ड प्रपोर्शन, केमिकली डू नॉट कंबाइंड इन ए फिक्स्ड प्रपोर्शन, केमिकली कंबाइंड इन एनी प्रपोर्शन, या इनमें से कोई नहीं। देखिए कंपाउंड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं कंपाउंड यानी यौगिक की परिभाषा क्या होती है।
क्वेश्चन नंबर 5, अ कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजीनियस केमिकली, डू नॉट कंबाइंड, ये तो नहीं हो सकते, इसका आंसर क्या होगा? अ कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजीनियस सब्सटेंस, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, होमोजीनियस का मतलब होता है दीज आर दो सब्सटेंस विच आर कंप्लीटली मिक्स टुगेदर, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो आपस में पूर्ण रूप से मिले होते हैं, मिश्रित होते हैं। तो इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 6, कंपोनेंट्स इन कंपाउंड, जब दो या फिर दो से अधिक एलिमेंट मिलते हैं आपस में, केमिकली कंबाइन होते हैं फिक्स प्रोपोर्शन में, तब बनता है कंपाउंड। और जब कंपाउंड बनेगा, देखिए अगर कोई दो एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दो एलिमेंट है, इन दोनों एलिमेंट की अपनी खुद की प्रॉपर्टी अलग होगी, लेकिन जब ये कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके कंपाउंड बनाएंगे, तो इनकी प्रॉपर्टी क्या जो पहले थी वही रहेगी या फिर बदल जाएगी, यानी क्या प्रॉपर्टी लूज करेंगे या प्रॉपर्टी को एज इट इज रहने देंगे? इसका मतलब यह है कि व्हेन टू एलिमेंट्स फॉर्म्स कंपाउंड, दे लूजेस देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी या देयर ओन प्रॉपर्टी, वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी को खो देते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डू नॉट रिटेन्स देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी, यानी अपनी मूल गुण को रिटेन नहीं कर पाते हैं। फ्रेंड्स, केमिस्ट्री में अगर आपने पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा है, आपको इसमें से एटलीस्ट 30 एलिमेंट्स के बारे में नहीं पता है, आपको उसमें एटॉमिक नंबर और उस एलिमेंट का एटॉमिक वेट पता होना चाहिए। जैसे आपसे अगर पूछे कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो दैट इज 8। आपसे पूछे कि ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, दैट इज 16। तो आपको ये दो चीजें पता होनी चाहिए एटलीस्ट 30 एलिमेंट्स तक, उसके बाद नहीं पूछता है। लेकिन कुछ एलिमेंट्स पूछ लेता है, जैसे आपसे पूछेगा कि जो HG है, 12 है, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो उसका 80 होता है। जैसे आपसे पूछ ले कि मेंडलीव के नाम पर मेंडलीवियम एलिमेंट बनाया गया था, उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो वो 101 होगा। तो कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम आवर्त सारणी को स्टडी करेंगे, तब हम जानेंगे इसमें कौन कौन सी बारीकियां हैं जो हमारे एग्जाम्स में आती रहती हैं। खासकर यहाँ से क्वेश्चंस रेलवे के एग्जाम्स में काफ़ी आते रहते हैं, NTPC या फिर रेलवे JEE में आते रहते हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, हम केवल बात करेंगे हाइड्रोजन के बारे में, कार्बन के बारे में और ऑक्सीजन के बारे में, क्योंकि हमने हमारे क्वेश्चंस में केवल इन्हीं तीन एलिमेंट्स को लिया है। आपको जैसे मैंने कहा था, आपको एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के बारे में और एटॉमिक वेट के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे तीन का, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, और इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, 1.008 होता है। लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब हम डेसिमल में संख्या नहीं लेंगे, क्योंकि फिर हमको समस्या का सामना करना पड़ेगा कैलकुलेशन में, इसीलिए हम केवल 1 ले लेंगे। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, और वेट कितना होगा इसका, इसका वेट 12.011 होता है, लेकिन हम केवल 12 लेंगे। जैसा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, और इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, 16 हम लेंगे यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 15.99। ओके, ताकि हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाए। तो हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो बेस्ड हैं हमारे आज के टॉपिक पर।
क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O। आपसे H2O का मॉलिक्यूलर वेट पूछा गया है। देखिए H2O कैसे बनता है। H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स के मिलने से बनता है। तो सबसे पहले हमको हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट पता होना चाहिए एंड देन ऑक्सीजन का। जैसा हमने देखा था लास्ट स्लाइड में, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट हम 1 लेंगे और ऑक्सीजन का हम 16 लेंगे। तो अगर आपको ये दो पता है तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर इजीली आ जाएगा। जैसे समझते हैं, H2O हाइड्रोजन के प्लेस पे हम 1 लिखेंगे इनटू 2 प्लस ऑक्सीजन कितना है, 16 है। तो ये कितना हुआ, 2 प्लस 16 दैट इज 18। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 18 है। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2। जैसा हमने देखा था कार्बन का कितना होता है, 12 हम लेंगे और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। पूछा आपसे गया है CO2, सी कार्बन जो कि 12 है, ऑक्सीजन का होता है 16, यहाँ पे 2 है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 को 2 से, जो कितना होगा, 32 होगा। इसमें ऐड कर देंगे हम, कितना इसका आंसर आएगा, 4 दैट इज 44। तो CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 44 होता है। क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ H2O। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है बट वी विल सॉल्व इट वेरी सिंपली। हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसमें आपसे परसेंटेज कंपोजिशन पूछा गया है H2O की। H2O में हाइड्रोजन का कितना परसेंट है और ऑक्सीजन का कितना परसेंट पार्ट है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट जो कंपाउंड आपको दिया गया है, 2, आपको एटॉमिक वेट जो एलिमेंट्स दिए गए हैं उनका एटॉमिक वेट कितना है। जैसे इस केस में हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दी गई है तो आपको इन दोनों का पता होना चाहिए। जैसा हम जानते हैं H2O का अभी हमने देखा था मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 18 होता है, और एटॉमिक वेट कितना होगा एलिमेंट्स का, इसका 2 होगा और इसका 16 होता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। इसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन एटॉमिक वेट इनटू नंबर ऑफ दैट एलिमेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। हमको इस फार्मूले को प्रयोग में लेके आना है ताकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। आइए देखते हैं। इस फार्मूले को मैंने ऊपर लिख दिया है ताकि आप इसको देखते रहें। स्टार्ट करते हैं। जैसा हम जानते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 1 होता है। अब यहां पे क्वेश्चन में नंबर ऑफ दैट एलिमेंट कितने हैं, H2 है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। नीचे दिया गया है आपको एटॉमिक वेट ऑफ कंपाउंड, यानी इस पूरे कंपाउंड का एटॉमिक वेट कितना होगा, तो वो होगा 18। अब यहां पे आपको मल्टीप्लाई करना होगा
हंड्रेड से। ये मैंने आपको लास्ट जो फॉर्मूला बताया था नहीं बताया था, तो ये आप याद रखिएगा, आपको इसको हंड्रेड से मल्टीप्लाई करना है। ओके, इनटू हंड्रेड, टू हंड्रेड अपॉन 18 इक्वल टू, तो 11.11 निकल के आया। हाइड्रोजन का 11.11%, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 16 होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट अकेला ऑक्सीजन है, एटॉमिक वेट ऑफ कंपाउंड 18 और इनटू में 100, तो ये हो जाएगा 1600/18। तो इसकी वैल्यू निकल करके आएगी 88.89%, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ये। तो हमसे इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ H2O, और ये किस में, हमने देखा था हाइड्रोजन का 11.11 निकल के आ रहा था, इसमें 15 है, नहीं हो सकता, 13 नहीं हो सकता, तो सी वाला करेक्ट आंसर है। और ऑक्सीजन का 88.81, इसमें 88.89, तो ये करेक्ट इसका आंसर होगा। ये ऑप्शंस में डिफरेंस क्यों है, बिकॉज हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू को लिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ CO2। क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ CO2, CO2 इक्वल टू 44, ओके, ग्राम पर मोल, और इसमें आपसे कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होगा, 12 होगा, और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला हमारा था एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन की, 12, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, केवल कार्बन है, अपॉन में 44 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 1200 अपॉन 44, और इसका ये निकल के आया 27.27%। तो कार्बन का हमने कितना, 27.27% निकल के आया। अब हम इसी से केवल चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। कार्बन का 29 दिया है, गलत होगा, कार्बन का 27 दिया है, सही हो सकता है, तो इसका आंसर सही होगा बी वाला, ये सभी गलत होंगे। अब देखिए, अगर आपको 27.27 मिल गया कार्बन का, और बचा क्या है, बचा है केवल ऑक्सीजन, तो ये आवश्यक नहीं है कि आप इसका भी निकालें सेम तरीके से। आप क्या करेंगे, 100 में माइनस कर देंगे 27.27, और जो निकल के आएगा 72.73%, तो वो ये होगा। सो बी इज करेक्ट आंसर। आपने सीखा आज के इस लेक्चर में, हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि हम मोटिवेट हो करके और वीडियोस लाएं, ढेर सारे और फैकल्टीज को लेके आएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, जय हिंद।